हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जिज्ञासा टिप्स एंड ट्रिक्स में। आज हम बात करेंगे कि जो बोल्ट्स रहते हैं उनके ऊपर जो यूनिक कोड रहते हैं उनका क्या मतलब होता है और क्या स्पेसिफिकेशन होती है। जैसे आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे दो प्रकार के बोल्ट हैं। उसके ऊपर तो नंबरिंग लिखी हुई है, 8.8, 10.9, 12.9, और कुछ के ऊपर यूनिक लाइंस लगी हुई है या कोड्स लिखे हुए हैं, तो इनका क्या मतलब रहता है। तो आज पूरी वीडियो इसके ऊपर ही होने वाली है, तो आशा करता हूँ कि वीडियो को आप एंड तक जरूर देखोगे, जिससे आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि इन बोल्ट्स का क्या मीनिंग रहता है और कहाँ पे हम इसको यूज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो नॉर्मल जो रहते हैं बोल्ट्स वो दो प्रकार के रहते हैं, एक SAE और मैट्रिक स्टैंडर्ड, जो आपने देखे भी होंगे और सुने भी होंगे कि हम कुछ को बोलते हैं कि ये इंचिस वाले बोल्ट हैं और ये MM वाले बोल्ट हैं। अब आगे हम ये भी जानेंगे कि SAE और मैट्रिक मार्किंग वाले बोल्टों में क्या फर्क होता है, क्या डिफरेंस रहता है इनमें। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि SAE बोल्ट होते क्या है, जिसको हम अपनी आम भाषा में बोल देते हैं कि इंचिस टाइप बोल्ट। तो नॉर्मल द सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स क्रिएटेड ए सिस्टम ऑफ ग्रेड टू आइडेंटिफाई वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट द फास्टनर्स। द ग्रेड्स ऑफ ए फास्टनर कैन रिप्रेजेंट व्हाट मटेरियल इट इज मेड आउट ऑफ। तो जो इंचिस वाले बोल्ट जिसको बोलते हैं, वो सोसाइटी ऑफ ऑटोमेटिक इंजीनियर्स जो है उन्होंने एक एक यूनिक कोड अपने लिए तैयार किए हुए हैं, जिससे उनको पता लग जाए कि कौन सी ग्रेड की कितनी स्ट्रेंथ है और कहाँ पे उन्हें यूज करना है। जैसे आप मेरी स्क्रीन पे देख भी पा रहे हो, ये कुछ चार्ट है जो उन्होंने अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाया हुआ, जिसके ऊपर अगर 307A है तो उसकी क्या स्पेसिफिकेशन है, अगर तीन लाइनें दी हुई हैं तो उसका क्या है, ग्रेड 5 में इन्होंने जोड़ा हुआ है, अगर 6 रेडियल लाइंस है उन्होंने ग्रेड 8 दिया हुआ है, अगर 8325 जैसे लिखा हुआ है ग्रेड, तो इसका क्या मतलब होता है। तो इन्होंने अपने लिए एक यूनिक कोड तैयार कर लिए हुए हैं। आगे हम बढ़ते हैं कि जो SAE जो जिसको हम इंचिस वाले बोल्ट बोलते हैं, उनमें तीन प्रकार के ग्रेड हैं, जैसे SEA, ग्रेड 2, ग्रेड 5 और ग्रेड A, जैसे आप मेरी स्क्रीन पे देख भी पा रहे हो, ग्रेड 2, ग्रेड 5 और ग्रेड 8। आगे थोड़ा सा और इसको डिटेल में जानते हैं। अगर जो बोल्ट है आपके पास उसके ऊपर कोई भी मार्किंग नहीं है तो आप उसको कैसे पहचानोगे, तो वो इंचिस वाला बोल्ट होगा और ग्रेड 2 की कैटेगरी में आएगा, जिसका मतलब है कि वो लोअर स्ट्रेंथ का है और लो और मीडियम कार्बन स्टील का बना हुआ है। अगर हम ग्रेड 5 की बात करें, जिसके ऊपर तीन अगर आपको रेडियल लाइंस दिखाई देती हैं, वो मीडियम लेवल स्ट्रेंथ का है बोल्ट, वो टेम्पर्ड कार्बन स्टील का है। आप फ्रेंड डिफरेंस देख पा रहे हो, जिसके ऊपर मार्किंग नहीं है वो टेम्पर नहीं है। अगर आपको टेम्पर्ड का मतलब नहीं पता, तो टेम्पर्ड एक फिनोमिना रहता है जिसको बोल्ट की या किसी मटेरियल की स्ट्रेंथ की जाती है, तो उसको बोलते हैं टेम्पर्ड। तो ये टेम्पर नहीं है, जिससे इसकी स्ट्रेंथ और इंक्रीज होती है, तो आप डिफरेंस देख पा रहे हो। अगर हम ग्रेड 8 की बात करें, जिसमें 6 आपको रेडियल लाइंस कुछ ऐसे बोल्ट के ऊपर दिखाई देंगी, तो इसका क्या मीनिंग है, ये हाईएस्ट स्ट्रेंथ का बोल्ट है और टेम्पर्ड कार्बन अलॉय स्टील का बना हुआ है। ये टेम्पर्ड कार्बन स्टील थी ओनली, इसमें ओनली कार्बन स्टील था और टेम्पर नहीं था, ये टेम्पर कार्बन स्टील का है, ये टेम्पर कार्बन अलॉय स्टील का है। जैसे आपको फ्रेंड्स पता भी है, अलॉय और हार्डनेस मटेरियल होता है स्टील का, तो जैसे जैसे ग्रेड इंक्रीज हो रहे हैं इनकी स्ट्रेंथ और मटेरियल की स्पेसिफिकेशन भी चेंज हो रही है। आगे हम बढ़ते हैं मैट्रिक बोल्ट, जिसको हम MM वाले बोल्ट भी बोलते हैं, उसकी क्या स्पेसिफिकेशन बोलती है। तो ये ISO स्टैंडर्ड के ऊपर काम करता है, जिसका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। इन्होंने अपने लिए एक और यूनिक कोड तैयार किए हुए, जिससे उनको पता लग जाए कि
कि उनकी बोल्टों की स्ट्रेंथ क्या है और कहां पे इनको उन्हें यूज करना है। तो जैसे मैट्रिक बोल्ट जो भी रहते हैं, एमएम वाले बोल्ट, उनके ऊपर यूनिक कोड आपको देखने को मिलेंगे, जिनके ऊपर 8.8 लिखा रहेगा, 10.9 लिखा रहेगा, 12.9 लिखा रहेगा। तो अब आगे हम जानते हैं कि 8.8 का क्या मीनिंग रहता है, 10.9 का क्या मीनिंग रहता है, 12.9 का क्या मीनिंग रहता है इनका। तो बेसिक हम एक थंब रूल के ऊपर ये काम करते हैं, इसके ऊपर 5.8, 8.8, 10.9, इसके लिए एक फार्मूला इन्होंने क्रिएट किया हुआ है। तो जैसे आप मेरी स्क्रीन पे देख भी पा रहे हो, अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ होता होगा, अगर बार बार आपकी मशीन के बोल्ट क्रैक हो जा रहे हैं या बोल्ट की शेप चेंज हो जा रही है या समथिंग और भी काफी ब्रेकडाउन आ रहे हैं, तो ये ब्रेकडाउन इसीलिए आते हैं कि हम गलत स्पेसिफिकेशन के ऊपर गलत बोल्ट यूज कर रहे होते हैं। हमें जानना बहुत जरूरी है कि हमें कौन सी मशीन के ऊपर या किस लोड के ऊपर कौन सा बोल्ट लगाना है। जितने भी ये प्रकार के बोल्ट है, इनके लिए हमें पहले टेंसाइल स्ट्रेंथ और यील्ड स्ट्रेंथ हमें मेजरमेंट करनी पड़ेगी, जो कि हम एमपीए के यूनिट में करेंगे। आगे हम जानते हैं कि टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ इज द अमाउंट ऑफ स्ट्रेस और लोड दैट द फास्टनेस कैन विदस्टैंड बाय ए मटेरियल बिफोर इट स्ट्रेचेस एंड ब्रेक। और यील्ड स्ट्रेंथ जो होती है, यील्ड स्ट्रेंथ इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्ट्रेस ए फास्टनर कैन विदस्टैंड बिफोर इट शेप इज सफिशिएंटली डिफॉर्म। मतलब दोनों में कॉमन ये होता है कि टेंसाइल ये होता है कि जितना भी अमाउंट ऑफ स्ट्रेस और लोड हम बोल्ट के ऊपर दे रहे हैं, उसको उससे पहले उसकी कैपेसिटी क्या है ब्रेक होने से पहले। और यील्ड स्ट्रेंथ रहती है कि उसकी टूटने से पहले उसकी जो शेप अगर किसी मटेरियल की चेंज हो रही है तो उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसका जो हम मेजरमेंट करने का वो एमपीए में लेते हैं। तो 1 MPa इक्वल टू 10.197 kg सीएम स्क्वेयर, और इसको हम अपनी भाषा में बोल सकते हैं न्यूटन एनएम स्क्वेयर। इस यूनिट के ऊपर हम इसको मेजरमेंट करते हैं। आगे हम इसको फार्मूला के साथ जानेंगे कि अगर 8.8 का क्या मतलब है, तो इसको हम एक्स और वाई के फार्मूले के साथ इसको मेजरमेंट करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि अगर आपके बोल्ट के ऊपर 8.8 लिखा है, तो मतलब जो फर्स्ट वाला डॉट से पहले वाला है, इसको हम बोल लेंगे इसका बोल्ट का टेंसाइल स्ट्रेंथ, और दूसरा जो डॉट के लास्ट में है, इसको बोल देंगे हम इसका यील्ड स्ट्रेंथ, GTS। अगर हम इसको फार्मूला करके देखते हैं एक्स और वाई के हिसाब से, अगर आपके बोल्ट के ऊपर 8.8 लिखा हुआ है, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि इसका बोल्ट का जो भी 80% लोड है, आप उतना ही इस बोल्ट के ऊपर लोड डाल सकते हो। तो इसके लिए फार्मूला है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, और ये जो डॉट के लास्ट वाला फिगर होता है, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 10 के साथ। तो जो मल्टीप्लाई करके आएगा, अगर हम 8 को करेंगे तो ये आएगा 800, और अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 80। तो ये जो बोल्ट दिखा रहा है, अगर 8.8 का बोल्ट है, तो ये हमें वैल्यू दिखा रहा है कि आपको बोल्ट के ऊपर आपका जो मैक्सिमम है 800 MPa, जो कि बोल्ट की स्ट्रेंथ है, और आपको इसके ऊपर जो लोड डालना है वो 80% लोड डालना है इसको, इसके ऊपर जहां भी आपको लोड डालना, 80% आपको बोल्ट डालना है। तो ये आएगा 640 MPa। अब हम आगे वाली एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आपके बोल्ट के ऊपर 10.9 करके यूनिक कोड लिखा हुआ है, तो जो 10 होता है इसका वो टेंसाइल स्ट्रेंथ आ जाएगी, और 9 इसका आ जाएगा यील्ड स्ट्रेंथ। मतलब आपके बोल्ट का जितना भी लोड आएगा, आपको इसके ऊपर 90% लोड ही मैक्सिमम डालना। तो इसका जो 9 का जो लास्ट वाला फिगर होता है, ये इसकी परसेंटेज दिखाता है। अगर यहाँ पे 12.9 है, तो मतलब आपको जो भी एमपी आपका लोड आएगा, उसका आपको 90% लोड ही डालना है। अगर आपके बोल्ट के ऊपर मान लो कि 8.6 करके आ रहा है, तो आपको इसका 60% लोड ही आपको डालना है। तो इसके लिए फार्मूला वो सेम ही है, एक्स एंड डॉट वाई करके करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, और जो 9 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 10 के साथ। तो ये जो भी इसका आएगा
इसका जो टोटल आएगा एमपीए लोड आएगा 900 MPA। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो ऐसे ही मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेंगी। और आप भी जाके जरूर चेक करना कि आपकी जो मशीन्स हैं जहाँ पे बार बार ब्रेक टूट रहे हैं, बोल्ट टूट रहे हैं, तो वहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि आप कुछ जो लोड वाला बोल्ट है वो लगा नहीं रहे हो, कोई और बोल्ट लगा रहे हो, तो प्लीज जाके चेंज जरूर करना। तो इसी के साथ वीडियो स्टॉप करता हूँ। थैंक्स।